अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग ठीक होंगे अल्लाह के फजल करम से। मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। नज़ला हुआ है और बहुत ईचिंग हो रही है, मौसम बहुत ख़राब है, पिंपल्स भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो आज जो है वो समी की बर्थडे है और मुझे ये बात पता नहीं थी, मैं भूल गई थी। हालांकि मुझे पता थी लेकिन बिल्कुल मेरे जहन से निकल गया था। तो बस घर में ही मैंने छोटी मोटी सी अरेंजमेंट कर लिया, अरेंजमेंट में नहीं, बस मैंने हल्के सी चिकन को बॉईल कर लिया है और ये समीर को भी पता नहीं है। मैंने चुपके से जैसे अभी हल्के हल्के बोल रही हूँ, यहाँ मैं ना वो दूसरे कमरे में नमाज़ पढ़ रहा है। तो मैंने कहा चिकन को जल्दी से बॉईल कर लिया था, मैंने कहा छोटे से मैं चिकन ब्रोस्ट टाइप के बना लेती हूँ और साथ में जो है वो छोटे छोटे केक्स रखे हुए थे सिफान के, मैंने कहा उसी को करके उसके अंदर कैंडल्स लगा के ना तो अभी हम सेलिब्रेट कर लेते हैं, ताकि समीर को भी बिल्कुल, क्योंकि समीर को बर्थडे वगैरह मनाने का शौक़ नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता समीर को। तो मैंने कहा चलो अच्छा, अभी मैं जो है ना ऐसे ही वो कर लेती हूँ, समीर के साथ खुश कर देती हूँ उसको, और साथ में ये सिफान के टॉयज़ आए तो इतना खुश है, इतना खुश है। तो मैंने कहा वो सिफान लेके जाएगा ना बाबा के लिए बर्थडे की चीज़ें, तो खुश होगा। तो चले आप हमारे, ये जो है ना मैंने बॉईल कर ली थी ब्लैक पेपर और नमक के साथ चिकन को, तो ये बॉईल कर ली थी। अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी मैरिनेशन करूँगी इसकी, और साथ में सामने मैं कैमरा रख रही हूँ ताकि आप लोग देखते रहना साथ साथ, ठीक है। एक तो लाइटनिंग का इतना इश्यू है ना घर में, तो इसलिए ना वीडियो वीडियो जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना कलर में ऐसे आती है। अच्छा ये जो है ना मैंने क्या करा है, मैंने ना ब्लैक पेपर में ये चिकन जो है ना मैंने ब्लैक पेपर और नमक में इसको उबाल दिया था। अब मैं इस पर डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर, साथ में मैं डाल रही हूँ इसमें, यहाँ शत्ता कहलाता है ये, लेकिन ये चिली सॉस है। बस घर में जो जो चीज़ें अवेलेबल है ना मैं उससे करके बना रही हूँ। ये हो गया, और ये थोड़ा सा जो है ना तंदूरी मसाला, ये तंदूरी मसाला है शाम का जी। अच्छा, गला भी ख़राब है ना तो इसलिए मैं ज़्यादा और स्पाइसेस इसमें ऐड नहीं कर रही। बस अब मैं नेक्स्ट टाइम जो है ना इंशाल्लाह ट्राईपॉड लगाऊंगी। बस ये मैंने इसकी, ये क्योंकि ऑलरेडी उबली हुई है, ये सब फ्राई, मतलब बस इसको फ्राई करना है। उबालने से ये फ़ायदा होता है कि आपको कच्चेपन का प्रॉब्लम नहीं रहती। थोड़ा सा मैदा डालूंगी इसमें मैं, ये 2 टेबल स्पून जो है ना मैंने इसके अंदर मैदा ऐड कर दिया, इसको सही से अच्छे से, क्योंकि ये उबली हुई है तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 egg, बहुत अच्छी चिकन बनती है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। अच्छा जी, यहाँ मैंने जो है वो एग ऐड कर लिया था, वीडियो इंटरप्ट हो गई होगी। हाँ, मैंने ये ऑयल इसको गर्म कर लिया है, जो मेरी ऑलरेडी जो है ना चिकन वो बॉयल है, तो मुझे ये टेंशन नहीं है कि ये बॉयल नहीं होगी, ये कच्ची रह जाएगी। मैं 1 by 1 में डाल रही हूँ, इसके अंदर कॉर्नफ्लोर भी ऐड है, साथ में मैदा भी ऐड है। बहुत मज़े की चिकन बनती है ये, इसको कैचअप के साथ सर्व करें, और साथ में जो है इसको आप मस्टर्ड सॉस के साथ करें, या फिर मर्ज़ी है आपकी इसके साथ बन, क्योंकि बन खाए जाते हैं, उसके साथ सर्व करें। ये मैंने ज़्यादातर वही वाले पीसेस लिए थे जो ज़्यादातर वो होते हैं ना मीट वाले जो होते हैं, हड्डी ना हो जिसमें। तो मैं स्लो फ्लेम कर दूंगी इसकी, जितना मिक्सचर है वो थोड़ा सा और ऊपर ऊपर जितना ये बच गया है मैं इसके ऊपर तरीके से लगा दूंगी। ये तो बस हम इस तरीके से जैसे अभी हल्का फुल्का सा कर दें, ऐसे तो स्लो फ्लेम कर दें,
जब चिकन को बॉईल कर लेते हैं ना तो ये होता है उसके फ़ायदा कि अच्छेपन का कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, और आप शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। ये शैलो फ्राई भी, क्योंकि डीप फ्राई से जहाँ थोड़ा सा डाइट का भी इशू रहता है, तो इस वजह से ये जितना भी मसाला था वो सब मैंने इसके ऊपर एडजस्ट कर दिया है। साथ इसके ऑलरेडी चिकन जो है वो रेडी हो चुकी है, और कलर देखें आप, इसका टेक्सचर चेक करें कितना मज़ेदार लग रहा है। ये तीनों जो हैं सॉसेस, पेरी पेरी सॉस, केचप और मेयोनेज़, इसको मैं मिक्स कर दूँगी। बहुत मज़े की सॉस बनेगी ये। साथ में कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, अगर है तो ब्लैक पेपर ऐड कर दें ज़्यादा ज़्यादा बस, और कुछ भी नहीं। चिकन मेरी रेडी हो गई है, मैं इसको डिश आउट करूँगी। छोटे छोटे लम्हात होते हैं, इसको इंजॉय करना चाहिए। अच्छा जी, जैसे कि कल की सारी मैंने वीडियोस दिखाई, मैंने बस जितना मैं कर सकती हूँ उतना ही मैंने किया इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती। तो मैं सोच रही थी वॉच दे दूँ समीर को, लेकिन वो उसकी क्वालिटी का अंदाज़ा नहीं होता, वो जेंट्स को ज़्यादा अंदाज़ा होता है। तो मैंने शर्ट्स समीर के लिए कुछ मंगवा ली थी, तो ये तो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं ना, तो इतना तो आता ही है करना तो ये मैंने समीर के लिए मंगवाई थी, ये मैंने मंगवाई थी मैक्स से, ये ऑफिस शर्ट मंगवाई थी, और साथ में मैंने टी शर्ट्स मंगवाई। समीर को टी शर्ट्स बहुत पसंद हैं और वो ज़्यादातर टी शर्ट्स ही पहनते हैं। तो ये छोटी छोटी मोहब्बतें होती हैं जिससे इंसान का दिल बड़ा होता है। तो ये जो है वो टू डाई वाली शर्ट्स हैं, और ये दोनों सेम हो गई हैं, लेकिन ये कि ये अच्छी लग रही थी। कुछ येलो है इसके अंदर, वाइट है और ब्लैक है, और ये पूरी येलो है। तो ये बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत सी लग रही थी और बहुत स्टाइलिश थी। और एक तो उनका कपड़ा जो होता है ना वो इतना कूल होता है, इतना प्लेजेंट कपड़ा होता है कि समीर को इसका ही जो है ना क्वालिटी और कपड़ा पसंद आता है। तो कल मैंने दिए समीर को, ये तो बड़ा खुश हुआ है वो, और साथ में जो है फिर हमने छोटी मोटी सी सेलिब्रेशन भी की। तो इंशाल्लाह वीकेंड पर जाएंगे, और समीर को बर्थडे वगैरह का इतना शौक़ नहीं है, और ना वो मनाते हैं और ना करने देते हैं, लेकिन फिर भी मैं तो ज़बरदस्ती करवा लेती हूँ। तो ये एक छोटी सी खुशी थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो बस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही मेरा व्लॉग देखते रहें। आज तक के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं मज़ीद कुछ मज़ीद अच्छी खबरों के साथ। अल्लाह हाफिज़।